प्यारे बच्चों मंगलो, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। हालांकि वो मेरी कोई इजाद करी भी नहीं है, शास्त्रों में पतंजलि योग प्रदीप में खूब अच्छी तरह लिखा हुआ है, खूब अच्छी तरह बताया हुआ है। प्राचीन समय से अब तक जितने भी संत महात्मा मुनि योगाचार्य अगर सब है, सब इसका इतना प्रचार कर चुके हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, हालांकि समय समय पे हर विद्वान इस चीज़ को बताता है। मेरे को अचानक इसलिए याद आई, अभी इस समय तकरीबन कोई 5:15 के करीब हुए तब भी मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि मेरे से कई बार लोग पूछते थे कि जी हमारी और बुद्धि कैसे बढ़े। बच्चे लोग मतलब जैसे माँ बाप पूछते हैं बच्चों की और बुद्धि तीक्ष्ण कैसे हो, विलक्षणता कैसे प्राप्त हो, हमें मानसिक शांति कैसे मिले, बच्चों का बौद्धिक स्तर और ऊँचा कैसे हो, स्मरण शक्ति कैसे बढ़े आदि सब कुछ। इसके लिए अपने भारतीय दर्शन भारतीय शास्त्रों के अंदर बहुत अच्छी विद्या का प्रयोग करते हैं, मुद्रा का प्रयोग करते हैं। उनका नाम सांभवी मुद्रा और अगोचरी मुद्रा। सांभवी मुद्रा और अगोचरी मुद्रा का सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि ये व्यक्ति के अंदर चेहरे पे तेज लाता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है। मानसिक शक्ति में सारी चीज़ आ गई आपकी, इस चीज़ पे गौर करके चलिए। लेकिन मैं योगाचार्य नहीं हूँ इसलिए मैं बार बार कहूँगा 15-16 साल से नीचे के बच्चे नहीं करें, ऊपर के बच्चे करते हैं, अच्छी बात है। बच्चे या और बड़े चाहे कितने मेरी जितनी उम्र मेरे से बड़ी उम्र के भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को हेड इंजरी है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है, आपका क्या कहते हैं ये किसी प्रकार का आदि सीसी का दर्द और माइग्रेन आदि कुछ भी है, साथ में आँखों की भयंकर समस्या है, जैसे बहुत अत्यधिक ज़्यादा नंबर हाई मायोपिया बोलते हैं वो है, या रेटिना में प्रॉब्लम और कुछ, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का गौर करना चाहिए। इसको करने के लिए दो बहुत थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन बस इतना याद रखिए योगासन हो, हठ योग हो, मुद्रा आदि कोई भी हो, कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्ती शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कॉम्पिटिशन करना चाहिए प्रतिस्पर्धा कि जी उसने 1 मिनट कर लिया 2 मिनट के लिए मैं भी करूँ, नहीं, आपसे 10 सेकंड हो 10 सेकंड तक करिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। प्राणायाम और ये दोनों मिलके अपने आप में पूरक हैं। प्राणायाम सबको मालूम है, सिंपल प्राणायाम तो सबको आता ही है, साथ में इसके साथ साथ जब हम सांभवी अगोचरी मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो इसीलिए मेरे को इस चीज़ का अचानक याद आया कि अरे ये तो बच्चों के लिए, बच्चों नहीं बच्चों से लेकर बड़े तक सबके लिए अच्छी चीज़ है। खाली आपको याद दिला रहा हूँ, बाकी और इसके बारे में और गहरी जानकारी वगैरह वो आपको और भी चीज़ों से मिल सकती है, पुस्तकों से, आदि पतंजलि योग प्रदीप में काफ़ी खुलासा है इसमें। कुछ नहीं करने का अगर सबसे अच्छा तरीका तो ये था कि देखिए आलती पालती मार के जब आपको कोई भी चीज़ करनी है, वैसे आसन या आदि जो मुद्रा, थोड़ा पेट खाली रहे तो अच्छी बात है। सुबह का रात का समय तो बहुत अच्छा रहता है, शाम का समय जिसमें पेट खाली रहता है, रात को भरा पेट रहता है इसलिए, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको करने का तरीका आप देख लीजिए, चश्मा अगर आपने पहना हो तो चश्मा उतार लीजिए, सिंपल है, मेरा 1.5 नंबर है, किसी का 3 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर खेल आँखों का है, हमें अपनी दोनों आँखें या आईब्रो मिड ऑफ द ब्रो जिसको हम थर्ड आई आज्ञा चक्र बोलते हैं त्रिनेत्र, यहाँ पर देखना है, हमारे को आँखें ऊपर चढ़ जाएंगी, यहाँ देखना है, मतलब आँखों से यहाँ देखना, आँखों पे कोई जोर मत देना, अगर जोर पड़ता हो धीरे से बंद कर लेना, ठीक है। ये देखिए अब आप, मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, एक मिनट, एक चीज़ और भूल गया मैं, जब आप आलती पालती मार के बैठेंगे, आप चाहे तो इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, चाहे आप तर्जनी को इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ तक लगाइए, इस तरह से बैठ सकते हैं आप, ठीक है ना, ये देखिए आप, या ऐसे, ये दो मुद्राएं होगी। इसके अलावा आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, ऐसे भी हाथ रख के बैठ सकते हैं, ऐसे अगर आप इस तरह बैठते हैं तो ऐसे ही बैठ सकते हैं आप हाथ रख के, मैं थोड़ा सा काम उठा, ऐसे ही बैठ सकते हैं आप हाथ रख के, ऐसे ही बैठ सकते हैं जैसा आपका मन करे, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे से ज़्यादातर ऐसे बैठा जाता है, ये ऐसे ना हाथ रख के ऐसे बैठा जाता है, दोनों हाथ पे हाथ रख के, हथेलियाँ ऊपर की तरफ होती हैं, ऐसे बैठा जाता है, मैं ज़्यादातर ऐसे ही बैठता हूँ, इसलिए ठीक है जैसी जिसकी सुविधा हो। अगर किसी से आलती पालती मार के नहीं बैठा जाता, किसी बड़े से कुर्सी बैठ के भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आलती पालती मारना ज़रूरी है,
जिसको जैसा सुविधा हो, बस बॉडी थोड़ी सीधी रहेगी, अकड़ के नहीं रहेगी, थोड़ी सीधी रहेगी। जैसे मैं भी तो आपसे ऐसे बात कर रहा, थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, ठीक रहेगा। अब आपको मेरी आंखों को देखिएगा, आंखों ऊपर चढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा झुक के आपको दिखा रहा हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल यहाँ पे देख रही हैं भावों को। और आप कुछ सेकंड बाद आप इसको धीरे से बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप आंखें घुमाएं, आंखें वहीं ऊपर देख रही हैं, आंखें वहीं ऊपर देख रही हैं। जितनी देर आपसे हो, स्ट्रेन नहीं देना, मतलब जोर नहीं देना, आराम से आप धीरे से आंख खोल ली। आंख खोलने का ये थी सांभवी मुद्रा। अब आपको करनी अगोचर मुद्रा, अगोचर सामने, टॉप ऑफ द नोज, नाक के टॉप को देखना, सिरे को देखना है। इसमें आंखें बंद नहीं होंगी, ध्यान रखना। कुल मिला के फिर उसके बाद धीरे से आंख बंद करके हल्की सी, बस एक बार यूं हल्का सा दबाव देके मालिश होगी। क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उसका अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरह करा, आंख खोल लीजिए, वापस उसी प्रक्रिया को शुरू करिए। अब मैं एक साथ में ये प्रक्रिया दोहरा देता हूँ, आप प्लीज इसको देखिएगा। और इसको फिर हमने क्या कहते हैं, यहाँ तक करके इसको हमने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद आराम से कूल होकर, लेकिन दोबारा से फिर प्रक्रिया शुरू करें। इस तरह जितनी जितनी देर आप करते जाएंगे उतना चाहिए। तो मैंने आपको खाली एक डेमो दिया था, एक प्रदर्शन करा था, आप ये मतलब इतनी कुछ सेकंड करके छोड़ दिए, जितना आपसे ईजीली होता जाए करते जाइए। पहले सांभवी मुद्रा करी ऊपर, फिर उसका क्या कहते हैं, वो आँख धीरे से बंद भी हो जाएगी, फिर उसका अगोचरी मुद्रा। अगोचरी मुद्रा में आँख बंद नहीं होती, बस वो ऐसा आभास होता है, तो देखने वाले को अपने किसको दिखाना है, अपने यहाँ पे देखते रहे। उसके बाद जितनी देर आपसे हो उसका आँखों को धीरे से बंद करके एक्सरसाइज कर ली और करके वापस से फिर शुरू हो गए। ये प्रक्रिया आप करेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रज्ञा बुद्धि तेज सब बढ़ जाएगा और बहुत सारा आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये शास्त्रों का एक अनुपम उपहार है, ऋषि मुनियों का एक अनुपम देन है। इसके लिए आप सबको नमस्कार, मंगल हो, आशा आप इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।